हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु आनंद वार्डा नोटरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हम सभी लोग अपने प्लांट्स को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर कोई ना कोई फर्टिलाइजर देते ही रहते हैं। तो हम में से कई लोग तो मार्केट से भी फर्टिलाइजर खरीदते होंगे। तो एक तो वो पौष्टिक बहुत होते हैं, दूसरा उनमें केमिकल भी होता है। क्यों ना हम घर पर ऐसे ही फर्टिलाइजर बनाएं जो कि एक तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, दूसरा उसमें पैसा भी खर्च नहीं होता है और हम आसानी से उनको बना लेते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे शक्तिशाली फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगी कि आपको हैरानी होगी कि इस चीज़ से भी फर्टिलाइजर बन सकता है। तो इसके लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी उपले की, देखिए इसको सभी जानते हैं, हमारे भाषा में इसे या काउडन के भी कहते हैं। एक हमें प्लास्टिक की बाल्टी चाहिए, इसमें मैंने 5 लीटर के करीब पानी लिया हुआ है। तो दो उपलों को हम इस तरीके से छोटा छोटा पीसेस में तोड़ लेंगे। इस तरीके से तोड़ करके हम इसको पानी में डाल देते हैं। इसका बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। थोड़ा सा हमें गुड़ चाहिए, गुड़ को भी हम इसमें डाल देते हैं। गुड़ इसलिए डालते हैं जिससे कि रिएक्शन जल्दी हो और हमारा फर्टिलाइजर जो है वो आसानी से बन जाए। इस तरीके से इसको हमने डिप किया और अच्छे तरीके से डिप करने के लिए एक भारी चीज़ कोई टाइल्स वगैरह हम इसके ऊपर रख देते हैं जिससे कि वो ठीक से डूब जाए। और इसको हम ढक कर 2 दिन के लिए रख देंगे। 2 दिन के बाद हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने देखिए पहले से बनाकर रखा हुआ है, ये देखिए मैंने तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया हुआ है। इसको मेरे 2 दिन हो गए हैं बने हुए। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लिक्विड आएगा। दोस्तों, इसमें NPK बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। NPK मीन्स नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। सभी को मालूम है कि ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीज और सल्फर भी पाया जाता है। कैल्शियम से प्लांट्स में डिसीज होने का खतरा बहुत कम रहता है, इसीलिए आप इसको घर पर जरूर बनाइएगा। इसको छानने के बाद में हम बोतल में स्टोर कर सकते हैं। छानने के बाद देखिए ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। और प्लांट्स में देने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको डाइल्यूट करना ना भूलें। जैसे आपने एक बाल्टी में एक बोतल ये फर्टिलाइज़र डाला है तो आपको 2 बोतल जो है इसका 2 गुना पानी डालना है। उसके बाद आप इसको किसी भी प्लांट्स में दे सकते हैं। आप इसको इंडोर प्लांट्स में भी दे सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में और सब्जी वाले प्लांट्स में भी दे सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। और वैसे भी हमको मालूम है कि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स की बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे प्लांट्स हरे भरे रहेंगे। इसका रिजल्ट आप 20 से 25 दिनों के अंदर देख सकते हैं। आपको खुद ताज्जुब होगा ये फर्टिलाइजर कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है। हम तो अक्सर यही यूज करते हैं और आप भी इस तरीके का फर्टिलाइज़र ज़रूर बनाइएगा। और दूसरी चीज़, इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स बचता है, जैसे इसमें जो बाद में ये काउडंग बचता है, तो इससे भी बहुत अच्छी खाद बन जाती है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। और चलते चलते एक बात और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हैप्पी गार्डनिंग।